नमस्कार, लिड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एसगौड़। डिजिटल मीडिया को आए दिन बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं कि आप रजिस्टर्ड मीडिया नहीं हैं, आप फर्जी पत्रकार हैं। तो इस तरह के ताने जब तक चलते रहेंगे जब तक कि कोई प्रोसेस रजिस्ट्रेशन के लिए ना आ जाए। हाल ही में जून के फर्स्ट वीक में डिजिटल मीडिया के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई। इसमें सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और बाकी जो संबंधित मीडिया डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे DAVP हुआ, PIB हुआ, इससे संबंधित अधिकारी भी वहां मौजूद थे। इस बैठक में बहुत सारे डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकार भी थे जिन्होंने अपनी समस्याओं को गिनाया। तो जो मेन मुद्दे उठे वो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। सबसे पहला मुद्दा वही था कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी MIB को कोई एक विभाग बनाना चाहिए जिसमें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हो सके, क्योंकि जो अखबार चला रहे हैं या फिर जो TV सैटेलाइट चैनल्स हैं उनके लिए इस तरह का रजिस्ट्रेशन का कानून है, लेकिन जो केवल और केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे वेबसाइट हुए, जैसे YouTube हुए, इनके माध्यम से जो खबरें दे रहे हैं वो काम तो मीडिया का कर रहे हैं लेकिन वो मीडिया नहीं कहला रहे। तो इस पर बात हुई। इसके अलावा जो दूसरी बात उठी वो थी आर्थिक समस्या की। तो सबसे बड़ी आय जो होती है मीडिया की वो विज्ञापन होता है, और आज के समय में विज्ञापन मिलना एक टेढ़ी खीर हो चुका है। तो इस पर भी बात हुई कि जो DAVP के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, जो सरकारी विज्ञापन मिलते हैं जिसके माध्यम से, वहाँ पर अभी तक केवल जो रूल्स हैं वो जो परंपरागत मीडिया है जैसे TV मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियोज, इनके लिए उनको नज़र में रख के ये रूल्स बने, तो वहाँ डिजिटल मीडिया पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। तो उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। हालांकि DAVP में सरकारी विज्ञापन के लिए वेबसाइट का एम्पैनलमेंट होता है, लेकिन जो वेबसाइट है उसका क्राइटेरिया इतना हाई है कि वहाँ पे एम्पैनल करना बहुत मुश्किल होता है। तो देखते हैं अब आगे इस पर क्या विचार बनता है, क्या रजिस्ट्रेशन के नए रूल्स बनाते हैं, क्या तरीके होते हैं। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब चैनल जो कि डिजिटल मीडिया का सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं होता, वो इम्पैनल नहीं होता, उसके लिए DAVP से सरकारी विज्ञापन नहीं लिए जा सकते। तो ये हो सकता है कि इस तरह की बैठक के बाद कुछ रूल्स बने, कुछ प्रोसेस बने जिसमें DAVP में यूट्यूब चैनल भी इम्पैनल्ड हो सके। अब आपके मन में आ रहा होगा ये DAVP क्या है। जैसे कि अभी आपको बताया कि जो सरकारी विज्ञापन मिलते हैं वो इसी एजेंसी के थ्रू मिलते हैं। ये सरकार की एक नोडल एजेंसी है। इसमें एक टाइम पीरियड होता है जिसमें वो अखबारों से, टीवी चैनल से या बहुत सारी दूसरी एजेंसियां हैं जो मास कम्युनिकेशन यानी पब्लिक से कम्युनिकेशन का काम कर रही हैं, उनसे इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन मंगाए जाते हैं। जैसे अखबार साल में 2 बार आवेदन कर सकते हैं, फरवरी में और अगस्त में। ऐसे ही टीवी चैनल्स और दूसरी एजेंसियां जैसे SMS प्लेटफॉर्म्स है, ये सब अपने अपने आवेदन भेजते हैं। उसके बाद में क्राइटेरिया पूरा करने पर इनका सिलेक्शन होता है, एक सूची बनती है, जिनका नाम इसमें आ जाता है उन्हें सरकारी विज्ञापन मिलने लगते हैं। तो इस तरह से एक तरीके से ये आपका आर्थिक सपोर्ट यहाँ से होता है। जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा इस बैठक में उठा वो था उन कंपनियों को टाइट करने का जो YouTube, Facebook, Twitter जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं। और YouTube तो इस वक्त डिजिटल मीडिया की जान बना हुआ है, वही सारा बिजनेस ही उसके ऊपर बेस है। इन कंपनियों की मनमानी से डिजिटल मीडिया सबसे ज़्यादा दुखी है, क्योंकि ये किसी भी छोटी मोटी मिस्टेक पर किसी का भी अकाउंट बंद कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं या फिर कई बार डीमोनेटाइज कर देते हैं। तो सभी पत्रकारों ने भारत सरकार से इन कंपनियों पर नियंत्रण रखने के लिए ज़रूरी कदम उठाने की अपील की। ये बैठक 2 घंटे चली। इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फील्ड में आने वाली परेशानी और आर्थिक समस्या जैसे कई मुद्दे उठे। साथ में पत्रकारों ने भारत सरकार के कार्यक्रमों को कवर करने हेतु प्रवेश देने की भी मांग की। फिलहाल केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि वो इन सब मुद्दों पर अपने अधिकारियों से डिस्कस करेंगे और जल्द ही दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी। जब तक ये व्यवस्था नहीं बनती है तब तक आप बेहिचक होकर लीड इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं। आपको लीड इंडिया ये सभी सुविधाएं देता है। अगर आप बेखौफ निडर पत्रकारिता करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं, तो आप जब तक ये कानून नहीं बन रहा लीड इंडिया से टाई अप कर सकते हैं। लीड इंडिया आपको पूरी आज़ादी देता है कि आप बाकायदा एक रजिस्टर्ड मीडिया की हैसियत से फील्ड में जा सकें, प्रेस आई कार्ड इशू कर सकें और किसी भी अथॉरिटी से बात कर सकें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।